नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपणो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर और बड़े घोटाले के खुलासे के साथ में जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर इकोलॉजिकल जोन में निर्माण प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रदेश के सबसे नामी बड़े बिल्डर ग्रुप ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा छलावा यहां पर किया है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रसूख और मिलीभगत का इस्तेमाल करके मंगलम ग्रुप ने फॉरेस्टा के नाम से ये बड़ा घोटाला किया है और जेडीए के अफसर मुख दर्शक बने रहे हैं, जबकि मंगलम ग्रुप ने मोटे मुनाफे के लालच में जेडीए को भी करोड़ों का राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद जेडीए कार्रवाई करना तो दूर की बात है, निर्माण तक रुक नहीं पा रहा है। ये बड़ा खुलासा जी राजस्थान पर। मंगलम ग्रुप का बड़ा फर्जीवाड़ा, रसूख और मिलीभगत का खेल, फॉरेस्टा के नाम से महा घोटाला, जेडीए के अफसर बने रहे मूक दर्शक। जयपुर इकोलॉजिकल जोन में निर्माण प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रदेश के नामी बिल्डर मंगलम ग्रुप ने जोन 13 के ग्राम खेलवाड़ी में अवैध रूप से 150 बीघा में फॉरेस्टा के नाम से बड़ी स्कीम ही नहीं काटी, बल्कि होल्डिंग बैनर लगाकर बिक्री भी शुरू कर दी। जेडीए से बिना अप्रूव्ड कराए डामर की सड़कें डाल दी और बड़े लेवल पर 5-5 जेसीबी डंपर लगाकर निर्माण शुरू कर दिए। छोटी मोटी अवैध कॉलोनियों पर जेडीए शिकायत मिलते ही बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर देता है, लेकिन मंगलम ग्रुप की ओर से अवैध रूप से तैयार किए जा रहे 600 करोड़ के उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जेडीए ने आंखें मूंद ली। जेडीए ने उक्त 600 करोड़ के अवैध स्कीम पर कार्रवाई के बजाय शिकायतों पर पर्दा डाल दिया। मंगलम ग्रुप की ओर से उक्त स्कीम के बड़े बड़े विज्ञापन, होल्डिंग बैनर लगाकर फार्म हाउस की बिक्री शुरू करने के प्रयास को भी जेडीए प्रशासन विफल नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या राज है, इसको लेकर आसपास के इलाके में भ्रष्टाचार और मिलीभगत की चर्चा है। जी मीडिया की टीम रविवार को उक्त घोटाले की सत्यता की जांच के लिए मंगलम ग्रुप की साइट पर पहुंची। तब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मंगलम ग्रुप की सेल्स टीम के प्रतिनिधि ग्राहकों से झूठ बोलकर बिक्री करते नजर आए। मंगलम की उक्त सेल्स टीम से जब ग्राहकों ने अपनी शंकाएं जाहिर करते हुए पूछा कि क्या फॉरेस्टा स्कीम जेडीए से अप्रूव्ड है, इस पर सेल्स टीम ने ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अखबारों में फ्रंट पेज पर इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन छपा है, जगह जगह होल्डिंग बैनर लगे हैं, इससे समझो कि ग्रुप का कितना रसूख है। जेडीए से जल्द अप्रूव्ड करवा देंगे प्रोजेक्ट, ऐसे में जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वैसे भी ग्रुप के अफसरों से ऐसे ताल्लुकात हैं, यदि नहीं होते तो अब तक जेडीए कार्रवाई कर देता। जब जी मीडिया के प्रतिनिधियों ने मंगलम ग्रुप की सेल्स टीम से नक्शे पर जेडीए के लोगो लगाने के बारे में पूछा, तो सेल्स टीम के प्रतिनिधि कहने लगे कि जेडीए से जल्द अप्रूव्ड करवाएंगे। सवाल, इस पर सेल्स टीम ने सवाल किया कि हमने जेडीए से जानकारी ली है कि अभी तक यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड तो दूर, किसी तरह की परमिशन नहीं है। तो जवाब में मंगलम ग्रुप ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े अफसरों और रसूखदारों ने पैसे लगा रखा है, उनकी पहुंच सूबे के सब महकमे तक है। फिर एक और सवाल ये पूछा कि ऐसे में फार्म हाउस की दरें ज्यादा है, यदि जेडीए ने अवैध प्रोजेक्ट मानकर कार्रवाई कर दी तो निवेश राशि डूबने का खतरा है। तो जवाब में मंगलम ग्रुप से कहा गया कि आप लोग निश्चिंत होकर निवेश करो, आप लोग देखो इतने प्रचार के बाद भी कभी जेडीए कार्रवाई नहीं करने आया, ऐसे में जेडीए कैसे कार्रवाई करेगा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मंगलम ग्रुप के इस जवाब से मंगलम ग्रुप की उच्च लेवल तक पहुंच का प्रमाण साबित होता है। इकोलॉजिकल जोन में निर्माण पर रोक, फिर भी डामर की सड़कें, बड़े निर्माण जारी।
दिल्ली बाईपास के समीप जोन 13 में अवैध रूप से स्कीम विकसित की जा रही है। इकोलॉजिकल में निर्माण पर रोक के बावजूद मंगलम ग्रुप ने अवैध रूप से स्कीम काटकर डामर की सड़कें बना दी और 5-5 जेसीबी और डंपर लगाकर बड़े लेवल पर निर्माण किया जा रहा है। इसके बावजूद जेडीए की प्रवर्तन शाखा और जोन कार्यालय मिलीभगत के चलते चुप है। शिकायतों को दरकिनार किया जा रहा है। 250 करोड़ से अधिक की कट डाली अवैध बिक्री, ग्राहकों के साथ बड़ा छलावा। मंगलम ग्रुप ने 250 करोड़ रुपए से अधिक के फार्म हाउस भूखंड ग्राहकों को बेच डाले। ग्राहकों से छलावा कर जेडीए का लोगो नक्शे में लगाकर बिक्री कर दी, ताकि ग्राहकों में यह विश्वास बना रहे कि यह प्रोजेक्ट अवैध नहीं है। ग्राहकों के साथ किए जा रहे इस छलावे के बाद भी जेडीए और रेरा मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं उक्त खबर के बारे में पक्ष जानने के लिए मंगलम ग्रुप के मालिकों से हमने संपर्क साधा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अवैध रूप से सृजित फॉरेस्टा स्कीम के बारे में मंगलम ग्रुप मालिकों ने चुप्पी साध रखी है। मंगलम ग्रुप ने बनाया ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़ा छलावा करने का रिकॉर्ड। नियमों के तहत जेडीए की बिना परमिशन के स्कीम काटना तो दूर, लॉन्च भी नहीं कर सकते। इन नियमों को मंगलम ग्रुप धत्ता बताकर धड़ल्ले से भूखंडों की बिक्री कर रहा है। ग्राम खेड़वाड़ी में फॉरेस्टा के नाम से उक्त प्रोजेक्ट पूरी तरह अवैध है। निर्माण पर रोक है, लेकिन ऊंचे रसूखात और मिलीभगत के चलते आंखों में धूल झोंक कर ग्राहकों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मंगलम ग्रुप प्रदेश में सबसे बड़ा ग्रुप बनने का दावा करता है, लेकिन ग्रुप की कलई खुल गई है। फर्जीवाड़ा छलावा करने में भी सबसे बड़ा बनने का ग्रुप का प्रमाण सामने आया है। यही नहीं, ग्रुप के और भी कई ऐसे प्रकरण सामने आने लगे हैं। राम सिंह राजावत, जी मीडिया, जयपुर। तो प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रुप होने का दावा करने वाला ये मंगलम ग्रुप, जो कि राजस्थान की जनता के साथ में उतना ही बड़ा छलावा, उतना ही बड़ा धोखा कर रहा है। और जेडीए है कि इस तरफ बिल्कुल ध्यान देने की बजाय इन पर कार्रवाई, इनकी रोकने की बजाय नजरअंदाज कर रहा है। जब इस पूरे मामले में हमने पक्ष जानने के लिए मंगलम ग्रुप के मालिकों से संपर्क साधा, तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। जब अवैध रूप से सृजित फॉरेस्टा स्कीम के बारे में मंगलम ग्रुप के मालिकों ने चुप्पी साध ली है, तो देखिए लगातार हम इसको लेकर सवाल ये उठा रहे हैं कि नामी बिल्डर ग्रुप ने ये मिलीभगत बड़ा किया, ये बड़ा कारनामा किया, और कोई भी इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। जेडीए के अधिकारी जो है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। मंगलम ग्रुप के मालिक जो है वो सवाल पूछने पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझते। रसूखदार ये इतने हैं कि इन्हें जरा भी कार्रवाई का डर नहीं है। जनता को बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन देकर भ्रमित कर रहे हैं। ये होर्डिंग्स जरा देखिए, बड़े शान से ये होर्डिंग्स, ये जो बैनर्स है वो पूरे शहर में लगाए गए हैं। लेकिन मजाल है कि जेडीए के अधिकारियों की इस तरफ नजर पड़ जाए, नजर पड़ भी जाती होगी तो वहां से नजरें घुमा लेते होंगे। सड़कें बना दी गई है, वन क्षेत्र है जहां पर निर्माण कार्य करना मना है, बैन है, अब प्रतिबंधित है, लेकिन वहां पर न सिर्फ सड़क का निर्माण किया गया है, वहां पर जमीनें काटकर बिक्री कर दी जा रही हैं। 250 करोड़ का माल जो है वो अब तक बिक चुका है। पूरा जो फॉरेस्टा प्रोजेक्ट है वो अवैध है। बिना जेडीए के अप्रूवल के विज्ञापन यहां पर छापे जा रहे हैं। लोगों को भ्रमित इस बात से कहकर किया जा रहा है कि हमारे विज्ञापन आपने देखे होंगे अखबारों में, फ्रंट पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं। तो ऐसे में जेडीए क्या कार्रवाई करेगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप आराम से बेफिक्र होकर, निडर होकर निवेश करें, अपना पैसा लगाएं। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा, बड़ा घोटाला, गड़बड़ झाला मंगलम ग्रुप की तरफ से जनता के साथ में। और साथ के साथ देखिए, ना सिर्फ जनता बल्कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जेडीए को भी करोड़ों का यहां पर जो उनका राजस्व है उसका चपत लगाई जा रही है, उसका घोटाला किया जा रहा है, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं।